नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मेनपुरी उपचुनाव को लेकर दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, डिंपल यादव ने बड़ा आरोप चुनाव आयोग पे लगा दिया। वहीं साथ ही साथ राजा भैया का भी जो है गुस्से से लाल पीला हो गए। सबसे पहले बता दें कि डिंपल यादव ने क्या इस वक्त की बड़ी खबर कहते ही नजर आ रही है वो आपको बता दें। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने वीडियो शेयर कर बीजेपी पर तगड़ा आरोप लगाया है। दर्शकों, चुनाव आयोग से भी कार्रवाई की मांग की है। मेनपुरी में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी एक दूसरे पर आरोपों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया है। क्या पूरी खबरें दर्शकों, आइए आपको बताते हैं। डिंपल ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग से एक्शन लेने को कहा है। ट्वीट में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल ने कहा कि होटल, शाम, स्टेशन, रोड, मेनपुरी में सड़कों की संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता इकट्ठे होकर निरंतर शराब और पैसा बांटा जा रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की अपील की है। वही आप दर्शकों बता दें कि क्या राजा भैया कोई एक्शन लेते नजर आएंगे। दर्शकों, राजा भैया क्या कोई एक्शन लेते नजर आएंगे? बार बार आप सोचेंगे राजा भैया की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं। दर्शकों, मेनपुरी, रामपुर, खटोली, इन तमाम जगहों पर जितना अपर्णा, रघुराज और डिंपल की चर्चा थी, उससे भी ज्यादा राजा भैया की चर्चा है। क्योंकि राजा भैया ने खुद ही कहा है कि वो 85% जीतने के चांस है। यही वजह है कि राजा भैया की चर्चाएं हो रही हैं। क्या धांधली को लेकर कोई खबर आएगी? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था दर्शकों कि अभी अभी से ही ईवीएम करने लगी है कांग्रेस पार्टी। इसके खेल को समझिए, इसके गेम को समझिए और समझ जाइए कि मेनपुरी का चुनाव कितना भयावह है, कितना रोचक है, कितना दिलचस्प है। और ये आपको समझ में आ जाएगा कि मेनपुरी के चुनाव में किसकी जीत किसकी हार होगी। क्या डिंपल बाजी मार जाएंगे? क्या रघुराज को मौका मिलेगा? ये तमाम सवाल है जो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। देखते हैं कि आखिर क्या बाजी मारती है डिंपल यादव या फिर रघुराज की, माफ कीजिए, क्या राजा भैया का समर्थन किसको मिलेगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपी9 न्यूज़।